हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ द मैक्सिमस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ जिसका नाम आप सबको पता ही होगा, हाउ टू ईक्यू। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईक्यू होता क्या है और ईक्यू करते क्यों है। तो ईक्यू करते क्यों है, मैं पहले इस पर बात करना चाहूँगा कि क्यों इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके ट्रैक में बहुत सारे एलिमेंट्स प्ले हो रहे हैं और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी अच्छी साउंड करती है, और मान लीजिए कि किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की भी अच्छी साउंड करने वाली फ्रीक्वेंसी भी वही है जो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट की थी, तो दोनों क्लैश करके आपके मिक्स को मडी बना सकते हैं। मडी से मेरा मतलब है कि दोनों क्लैश करेंगे और एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आएगी, और जो फ्रीक्वेंसी क्लैश होने पर आती है जैसे। तो और EQ क्या होता है, EQ होता है कि किसी भी चीज़ को इक्वलाइज करना, जैसे किसी भी साउंड को इक्वलाइज करना ताकि वो आपस में क्लैश ना हो और मडी मिक्स ना आए। तो मडी मिक्स हटाने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है, EQ करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ 2, जो कि कुछ हद तक ऐसा दिखता है। और इसमें 7 बैंड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके 7 तक। और फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट करता है लो फ्रीक्वेंसी एंड को, और 7 बैंड रिप्रेजेंट करता है हाई फ्रीक्वेंसी एंड को। तो गाइस, जो EQ होता है इसमें आपको ऑडियो स्पेक्ट्रम मिलता है 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक का, और ऊपर आपको मेंशन भी होगा कि कौन सा पार्ट मिड है, कौन सा पार्ट लो बेस है, कौन सा पार्ट बेस है, कौन सा पार्ट ट्रेबल है, कौन सा पार्ट हाई है। तो ये बहुत ही इजी और आसान प्लगइन है, स्टॉक प्लगइन, जिसको आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ये FL Studio के साथ में ही है, इनबिल्ट है। तो गाइस, ये है हमारी किक्स। 2 किक्स मैंने यूज़ करी है, एक टॉप किक है और एक थोड़ी पंची किक है जो बेस के साथ साउंड करेगी। और मैंने यहाँ पे कश्मीर की किक्स यूज़ करी है, आप कोई भी किक यूज़ कर सकते हैं अपने ईयर के हिसाब से। तो जो पहली पंची किक है, मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाता हूँ। लाइक मी जस्ट ओपन द पैरामेट्रिक EQ ऑन द चैनल। मैंने पहले से ही यहाँ पे कर रखा है पैरामेट्रिक EQ को सेलेक्ट, और मिक्स करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने लो बेस को हल्का सा बूस्ट कर रखा है जो किक में करना चाहिए, और हाई एंड को थोड़ा कम कर रखा है ताकि वो थोड़ा पंची साउंड करे, और मिड रीजन जहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है मैंने उसको ज़रा सा भी EQ नहीं करा। तो सबसे पहले मैं आपको बूस्ट करता हूँ। लगभग हमें बूस्ट करना है यहाँ पे 70 हर्ट्ज़ के अराउंड। मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, पर कोई नहीं, कर दूंगा यहाँ पे 61 हर्ट्स कर दिया है मैंने। लेट मी जस्ट 67 हर्ट्स पे ये अच्छा साउंड करेगा। 67 हर्ट्स, ये देखिए बिना EQ करे भी ऐसे साउंड करेगा, और जब मैं इसको 67 हर्ट्स पे ले जाऊंगा तो ये थोड़ा पंची साउंड करेगा। देखिए बिना EQ के, ये देखिए, और अब EQ के साथ ये ऐसे साउंड करेगा। लेट्स मी जस्ट एडजस्ट 67 हर्ट्ज। आप चाहें तो ये हाई बैंड को भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको मोर पंच चाहिए, और जहाँ मुझे बेस के साथ मिक्स करना, मुझे पंच नहीं चाहिए तो मैं इसको लो ही रखूँगा हल्का सा। मेरे पे 2 किक्स हैं मेरे पास यहाँ पे, एक पंची किक है और एक टॉप किक है। तो अब मैं आपको बेस को सुनाता हूँ मेरा बेस कैसा है। मैं किक को एडजस्ट कर लेता हूँ, ये टॉप किक है। टॉप किक में मुझे सिर्फ हल्का सा पंच साउंड चाहिए, थोड़ा लो एंड, और ये बेस है, बेस आपको हल्का सा लो में ही सुनाई देगा। ये देखिए, मैंने अभी कोई इफेक्ट नहीं यूज़ करे और ये बहुत ही मडी साउंड कर रहा है अभी से ही, क्योंकि इसकी सारी फ्रीक्वेंसी आपस में टकरा रही हैं, क्लैश हो रही हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है, आप चाहें तो इसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको रीसेट करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया है। बेस में मुझे हाई एंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो पहले मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। और ये देखिए, बेस का जो सेक्शन है वो आपको बेस सेक्शन में और मिड सेक्शन में ज़्यादा साउंड करेगा, और मैं पहले हाई फ्रीक्वेंसी को कट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। करीब करीब 1000 हर्ट्स पे काटूंगा मैं इसको, और 184। ये देखिए, यहाँ पे बेस ज़्यादा साउंड करता है अच्छा, और थोड़ा नास्टी इफेक्ट देता है। मैं इसको 135 पे ले जाऊँगा, 127,
ये अच्छा साउंड कर रहा है अभी, और मैं हल्का सा लो यूज़ करूँगा, मुझे हाई नहीं चाहिए, हाई पे बहुत ही ख़राब साउंड करता है। मैं पहले हाई काट लेता हूँ यहाँ पे, और ये मैं हाई काट दिए हैं, और थोड़ा सा और बूस्ट करूँगा मैं लो बेस को 127 पे, और ये मैं हाई काट दूंगा और इसको मिड में रखूँगा 1000 हर्ट्ज़ के आसपास। अगर आप बेस को मिड पे ले जाएंगे तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, क्योंकि हमें बेस हमेशा लो में चाहिए होता है। और एक बात, इसको साइड चेंज ज़रूर करेंगे बेस को, क्योंकि नहीं तो वो किक्स के साथ क्लैश करेगा ऐसे। ये मैंने हल्का सा यहाँ पे टेप स्टॉप यूज़ किया, आप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ट्रैक पे कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। और ये किक और बेस काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है अभी। तो किक और बेस तो हमारे मिक्स हो चुके हैं, बहुत ही सही मिक्स हुए हैं, और मैं और टाइम दे सकता हूँ किक और बेस मिक्स करने पे, पर मुझे काफ़ी देर लग जाएगी, और आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि मुझे बेस को और किक को हमेशा लो में रखना है, और बेस को हमेशा थोड़ा सा बूस्ट करना है 127 हर्ट्ज़ तक करीब करीब। और ये डिपेंड भी करता है आपके ट्रैक पे कि आप बेस कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू द मेलोडी पार्ट, मेलोडी कैसी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नेक्सस का सेंथ यूज़ किया है, और आप चाहें तो कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ स्टॉक प्लगइन, कोई सा भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। मेलोडी कुछ हद तक कॉर्ड ऐसे हैं, ये स्केल ई माइनर स्केल है, ई माइनर स्केल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और आप कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रैक। आप बिग रूम कर रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, मैंने ई क्यू, इसको बिना ई क्यू के सुनाता हूँ अभी आपको, काफ़ी हिट दे रहा है कानों पे, हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा साउंड कर रही है यहाँ पे मुझे। मैं अब आपको मेलोडी पार्ट सुनाता हूँ, जो मेलोडी पार्ट है जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये एक फ्री प्लगइन है जो आपको मिल जाएगा नेट पे। ये देखिए मैंने हाई पार्ट को कट कर दिया है, पहले से ही मैंने कट करके रखा है यहाँ पे, मैंने करीब करीब यहाँ पे इसको 470 समथिंग 650 हर्ट्स को मिड को थोड़ा सा बूस्ट किया है, 4000 हर्ट्स पे मैंने कट किया है हाई फ्रीक्वेंसी को। ये विद ईक्यू है, और जो मेलोडी है वो कुछ हद तक ऐसी है ई माइनर स्केल पे। आपको लीड मिक्सर के दिखाता हूँ, देखिए मुझे ये मिड सेक्शन नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही क्लमजी साउंड कर रहा था करीब करीब 1136 हर्ट्ज़ पे, और ये 276 हर्ट्ज़ पे मैंने लो पूरा काट दिया, क्योंकि मुझे लोज की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किक के साथ क्लैश करके और मडी कर देगा। मैंने ये करीब करीब 2300 समथिंग हर्ट्ज़ पे मैंने लो कट किया है इससे, क्योंकि मुझे ये साउंड्स अच्छी नहीं लगी थी, और मैंने हाई इसको थोड़ा बूस्ट कर रखा है 7th बैंड को, ताकि ये कुछ ऐसा साउंड करे। मैंने रीसेट कर दिया, आप माउस को थोड़ा सा, अगर मैं आपको बूस्ट करके दिखाऊं तो ये कैसे साउंड करेगा, मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। बहुत ही हाइस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मैं थोड़ा सा बूस्ट कर लेता हूँ इसको, और अब मैं इसे पूरा सीधा नीचे ले जाऊंगा इसी बेंच से। आपको कुछ करना नहीं है, ये जो माउस का आपको ये जो स्क्रॉल व्हील मिलती है उसको हल्का सा एडजस्ट करना है, नहीं तो ये जो बैंड सीख रहे हैं आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने पूरा लो काट दिया जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि वो किक के साथ क्लैश करेगा, तो मैंने पूरी लोस काट दी है, और जो ईक्यू अटैक्स हैं वो थोड़े से कम कर दिए हैं, ताकि मुझे एक अच्छा साउंड मिले। टुगेदर दे साउंड लाइक दिस। मेलोडी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो अब थोड़ा बेटर साउंड हो रही है मेलोडी, और अब आते हैं हम ड्रॉप की तरफ।
पहले मैं बल्ली हटा देता हूँ, नहीं तो ये फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे मैंने इसे छोड़ा था। खैर तो मैं ड्रॉप की तरफ आ जाता हूँ, ड्रॉप में भी कुछ अच्छा करती है। और यहाँ पे ये हूवर्स भी साउंड कर रहे हैं, सॉरी ये पैन है, मैं आपको दूसरी भी सुनाता हूँ। मैं इन्हें अक्सर पैन करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप पैन करेंगे तो आपको दोनों कानों में सुनाई देगा, इससे आपको रीवर्ब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लूप्स हैं कुछ जो मैंने यूज़ किए हैं, परकशन लूप्स। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ट्रैक के साथ उसको और बेटर बनाने के लिए। ये भी पर्क्स ऐड किए हैं मैंने तुझे रिदम के लिए। और स्टेप्स बहुत ही जरूरी हो गए हैं आजकल। तो काफ़ी बेटर ड्रॉप थी। खैर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक पहले स्टेप्स के बारे में। तो पहले मैं इस यहाँ से आपको EQ हटा के दिखाता हूँ। ये सारी जो मैंने लीड यूज़ करी हैं, ये वो लीड्स हैं जो मैंने यूज़ करी हैं ड्रॉप के लिए। मैं यहाँ पे स्पायर यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप सेक्शन ये है, स्पायर की लीड है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 9 नंबर 6 नंबर चैनल पे है हमारे पास ये। और मैंने थोड़ा सा किक स्टार्ट किया है और थोड़ा सा कंप्रेस किया है और थोड़ा सा EQ में। मैं आपको बताता हूँ, मुझे लो एंड नहीं चाहिए था। और यहाँ पे मिड सेक्शन में हल्का सा मैंने इसे कट किया है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी। और एक हाई, लगभग अपर हाई में मैंने इसको थोड़ा सा कम किया, अपर मिड में मैंने इसको थोड़ा सा कम किया है और हाई को थोड़ा सा बूस्ट किया है क्योंकि मुझे हाई पार्ट चाहिए और बेस मेरे लो एंड में मेरे पास किक्स और बेस हैं ही। खैर तो और मैंने लो एंड पूरा काट दिया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी लीड है हमारे पास वो थोड़ी सी सॉ है। आपको पहले इसे बिना EQ के बताता हूँ कैसे साउंड करती है। ये मैंने EQ करा है, मैंने हाई एंड काट दिया क्योंकि मुझे मिड सेक्शन में भी थोड़ा सा वेट चाहिए था ट्रैक में और थोड़ा सा विड्थ चाहिए था ट्रैक में। तो मैंने हाई एंड को काट दिया है और लो एंड को भी काट दिया है क्योंकि किक और बेस लो एंड पे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो क्लैश करें आपस में। तो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताता हूँ कि मिड जो EQ हुए हैं यहाँ पे लीड्स के, वो आपको फर्स्ट बैंड को लगभग 367 पे रखना है। और दैट्स हाउ यू यू की EQ। और मैंने थोड़ा सा अपर मिड को भी कट किया है, ये दूसरी सॉ है जो मैंने यूज़ करी है। मैंने यहाँ पे मिड को हल्का सा बूस्ट किया है और फोर्थ बैंड जो मेरी मिड बैंड है मैं उसको भी थोड़ा सा नीचे किया क्योंकि वो साउंड नहीं कर रही थी। और टुगेदर दे साउंड लाइक दिस। ये क्लैप्स जो मैंने पैन करे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि क्लैप्स जो पैन करे हैं वो दोनों ओवरऑल एक अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा वाइड एन इफेक्ट दे रहे हैं। लेट मी शो यू द क्लैप्स डिस्प्लेड। प्लेट So let me play it with drop. And now let me show you the bass shot. I use this. मैंने ये यूज़ किया है, सॉरी मैं इंग्लिश में आ गया था। मैंने ये यूज़ किया है कि ये विड्थ देता है, थोड़ा अच्छा इफेक्ट देता है बेस का। और थोड़ा बेस शॉट यूज़ करने से आपकी जो रूट की है उसका भी साउंड होता है अच्छा, बढ़ जाता है। और ये पर्क्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, मैंने पहले भी आपको थैंक यू गैस, आपने ये वीडियो देखी एंड तक देखी और होप कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।
अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। और हमारी एक नया ट्रैक भी रिलीज़ हुआ था अभी, जो हमने रिमिक्स किया था वाइस टोन का, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सही ट्रैक है वो। और जी हाँ, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे और कंटेंट लाते रहेंगे। और आपको और क्या जानना है और किस पे मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो, गुड बाय।